अब देखिए हम ट्रैक्टर को रवाना करने की बात करते हैं, तो आप अपना क्लच दबाइए, क्लच दबा दिया है। और ये जो छोटा गियर, इसको दोस्तों जो खरगोश का चिन्ह है नीचे की ओर कर देना है, ठीक है। तो ये आपका इसका हाई गियर लग चुका है, ठीक है। अब आपको एक नंबर गियर लगाना है मेन में, तो इसके लिए क्या करेंगे, गियर को इस तरफ लेके आइए, हाँ, और नीचे दबा दिए, एक नंबर लग गया है, ठीक है। अब क्लच को धीरे धीरे छोड़िए, क्लच छोड़ने का ट्रिक, क्लच को धीरे धीरे छोड़िए। तो देखिए क्लच को छोड़ने का तरीका समझिए, देखिए देखिए, एक क्लच दबाओ, क्लच को छोड़ने का तरीका समझिए, ऐसे धीरे धीरे लेके आ रहे हैं। तो देखिए एक पॉइंट पर, इस पॉइंट पर देखिए ट्रैक्टर आपका अपने आप रवाना हो गया। जब ट्रैक्टर पूरी तरीके से चलने शुरू हो गया तो हमें क्या करना है, अपना क्लच से पैर हटा के ऐसे आगे रख देना है, ठीक है। लेकिन हम गलती क्या कर सकते हैं, एक बार क्लच दोबारा दबाओ, और रोकने के लिए दोनों ब्रेक को एक साथ दबाना है, ठीक है। ऐसे दोनों ब्रेक को हल्का सा दबाना है, जिससे कि आपका धीरे धीरे आराम से ट्रैक्टर रुक जाए, अचानक क्लच छोड़ दो तो देखिए ट्रैक्टर आपका ऐसे उछाल मारेगा। अब इससे बचने के लिए करना क्या है, धीरे धीरे लेना है, देखिए एक पॉइंट के बाद इसको स्थिर कर देना है क्लच को, ट्रैक्टर पूरा रवाना होने के बाद क्लच को पूरा छोड़ देना और पैर आगे रख देना है। अब गियर चेंज करना है तो थोड़ा एक्सीलेटर बढ़ाओ, क्लच दबाओ, एक्सीलेटर कम करो, गियर को यहाँ पे थोड़ा बीच में ले आओ और ऊपर ले आ, तो दो नंबर लग जाएगा, ठीक है। और थोड़ा एक्सीलेटर दे के, तो ये देखिए आपने चार नंबर लगा दिया, तो आपका ट्रैक्टर ऐसे करेगा, तो मतलब गलत गियर लगा दिया, तो क्लच दबाओ, इसको देखिए इतना ही लेना, लेके आना है, ज़्यादा लेके नहीं आना है, देखिए इतना ही लेके आना है। ये दो नंबर लगाया आप, देखिए अब छोड़ो, ठीक है। एक्सीलेटर और बढ़ाइए, और एक्सीलेटर बढ़ाओ थोड़ा, देखिए लगभग हमारा आरपीएम 5 से प्लस का हो जाएगा। तो क्लच दबाओ, एक्सीलेटर कम करो, गियर को इसके सीध में ही नीचे दबा दो, इसके जस्ट सीध में नीचे तीन नंबर है, तो आपका ये तीन नंबर लग गया। क्लच छोड़ो, एक्सीलेटर और बढ़ाओ, उसके बाद देखिए आपको चार नंबर लगाना है, वही सेम प्रोसेस रहेगा, क्लच दबाओ, एक्सीलेटर कम करो, गियर को सबसे इस साइड लेके आ जाओ, सबसे इस साइड, और ऊपर दबा दो, ये इसका टॉप लग जाएगा। तो यह देखिए बिल्कुल आसान सा तरीका है गियर लगाने का, अब आपका ट्रैक्टर टॉप में चल रहा है, ठीक है। रोकना है तो क्या करेंगे, अपना एक्सीलेटर पूरा छोड़ देंगे और अपना पैर को हल्का सा ब्रेक पे ले आएंगे, हल्का सा ब्रेक दबाओ, और जब बिल्कुल ट्रैक्टर धीरे हो जाएगा तो हम अपना साथ में क्लच भी दबा देंगे, ओके। तो यह रहेगा इसका रोकने का तरीका, ठीक है। तो दोस्तों ये छोटा सा वीडियो है जिसमें हमने अपना ट्रैक्टर को चलाने सीखने की कोशिश की। इसको वापस टर्न करो, क्लच दबाओ, एक नंबर लगाओ, स्टीयरिंग को इस तरफ घुमाओ, इस साइड दोस्तों टर्न करना है तो आपको ये वाला ब्रेक दबा के रखना है, ये वाला, ठीक है। जैसे ये आपका टायर जाम हो गया, ओके, यानी जिस साइड मोड़ना, इस साइड मोड़ा तो हमने इस ये वाला दबा दिया, इस साइड मोड़ेंगे तो हम ये वाला ब्रेक दबा देंगे, इस टायर का ब्रेक दबा देंगे। यहाँ पे दोनों टायर के लिए हमारे अलग अलग ब्रेक्स होते हैं, ठीक है। आप देखिए कंटिन्यू चलने दो, फिर चलने दो, देखिए हाँ ये दो नंबर लग गया, ठीक है, और चलने दो कंटिन्यू, ये इसके जस्ट सीधी, दो नंबर के जस्ट सीधी, देखिए ऊपर दो लिखा और नीचे तीन, यानी दो के जस्ट सीध में ही तीन नंबर लगेगा। टॉप लगाना है, इस साइड लेके आओ, एक मिनट, इस साइड लेके आओ सबसे, आप आगे स्टीयरिंग का आगे ध्यान दो, ठीक है। इस तरीके से आपका अभी टॉप में चल रहा है, ठीक है। जैसे रोक रहा है तो एक्सीलेटर पूरा काम कर दो, हल्का सा पीछे के दोनों ब्रेक दबाने एक साथ, देखो बिल्कुल धीरे धीरे आपका रुक जाएगा, तो गियर को न्यूट्रल कर देना है। और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों इंजन बंद करने का है, ठीक है, इसको हम खींचेंगे तो आपका इंजन बंद हो जाएगा, ओके। उसके बाद हम अपना चाबी को टर्न ऑफ कर देंगे और चाबी को निकाल देंगे, और इसी के साथ हमें ध्यान रखना है कि इसको हम हल्का सा नीचे कर देंगे, ओके, धीरे धीरे, ताकि यदि कोई बच्चा फिर इसके पास आए और यदि इसको अचानक कोई नीचे कर दें उसको चोट नहीं लगे, ओके। ये नीचे रख देना है और अब हमारा
ट्रैक्टर सही पोजीशन में पड़ा है, और इसी के साथ अपना हैंड ब्रेक भी लगा देना है। ओके, ये हमारा हैंड ब्रेक है जिससे कि ट्रैक्टर हमारा आगे पीछे ना हो। ठीक है, यह दोस्तों इस तरीके से हमने अपना ट्रैक्टर चलाना सीखने की कोशिश की। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।